हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक आपको जरूर देखना है। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आती है तो जो सब्सक्राइब बटन है इस तरह का नीचे रेड कलर का, इसे दबाकर साइड में बेल आइकन है इसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सारी लेटेस्ट वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी अपने चैनल पे बिना मिस हुए। और देखिए, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मुझे वापस सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, या फिर सिंपली इसका लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां आप क्लिक करके डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन है हमारी वो आपको यहां पर मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारी लास्ट वीडियो क्विज थी फ्रेंड्स, वो थी कि हाल ही में खबरों में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा असम के अंदर है स्थित ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। देखिए, इसके बारे में एक पिछले वीडियो में आपको बताया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर की। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNEP का नया सहायक महासचिव नियुक्त किया है। तो आपका राइट आंसर होगा सत्य एस त्रिपाठी को। देखिए, जो सत्य एस त्रिपाठी ये UNEP के नए सहायक महासचिव के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, देखिए जो यहां पर सत्य एस त्रिपाठी है ये भारतीय अर्थशास्त्री है जिनको इस पद के लिए चुना गया है। और UNEP की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी हिंदी में कहेंगे आप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम इसको कहते हैं हिंदी में। और इसी का जो सहायक महासचिव चुना गया है ये किसे चुना गया है, सत्य एस त्रिपाठी को। देखिए, अगर बात करते हैं, साथ ही जो सत्य एस त्रिपाठी है इनको जो UNEP का लंदन स्थित कार्यालय है उसका प्रमुख भी चुना गया है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, लंदन स्थित जो कार्यालय है UNEP का उसका प्रमुख चुना गया है, साथ ही जो UNEP है इसका सहायक महासचिव चुना गया है। ठीक है, अब देखिए UNEP के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। UNEP का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। ठीक है, ये एक पर्यावरण के लिए एक संस्था बनाई गई, मतलब कि विश्व स्तरीय एजेंसी है जिसका कार्य होता है पर्यावरण संबंधित जितनी भी जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए ही इस संस्था का गठन किया गया था। ठीक है, और ये क्या करती है, उनके निवारण के लिए जो समस्याएं होती है पर्यावरण संबंधित उनको सोल्व करने के लिए वित्तीय सहायता वगैरह भी उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 1972 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हेडक्वार्टर है, यानी कि जो कार्यालय इसका वो हेडक्वार्टर यानी कि ठीक है जो वो है नैरोबी के अंदर, नैरोबी जो कि केन्या की जो सिटी है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो महासचिव है अभी प्रेजेंट में, वो आपको ध्यान रखना है एरिक सोलेहिम इसके प्रेजेंट में महासचिव हैं। और सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया है, सत्य एस त्रिपाठी को। ये दोनों नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नए इन्फ्लुएंजा टीका के निर्माण के लिए भारत ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ के साथ। देखिए, जो यूरोपीय संघ है इसी के साथ मिलकर भारत एक नए इन्फ्लुएंजा टीका का निर्माण कर रहा है, और उसी के लिए ये समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है, एक नए इन्फ्लुएंजा टीका के डेवलपमेंट के लिए ही ये समझौता किया गया है। ठीक है, मतलब कि जो इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है उसी के निवारण के लिए एक नया टीका डेवलपमेंट किया जा रहा है भारत का द्वारा, और ये किसके सहयोग से किया जा रहा है, यूरोपीय संघ के सहयोग से ही टीके का डेवलपमेंट किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हमने बात की है इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा की अगर बात करते तो एक तरह से संक्रामक रोग है जिसके कारण तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द होना, ऐसे लक्षण ह्यूमन बॉडी के अंदर इससे दिखते हैं इसके होने के कारण। और इससे मुख्यतः जो अंग प्रभावित होने वाले हैं हमारे शरीर के अंदर वो है नाक और गला। इसके कारण प्रभावित अंग पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको लिखना है नाक और गला जो है इससे मुख्यतः प्रभावित होने वाले अंग है इन्फ्लुएंजा बीमारी से। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे बात की है यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ की अगर बात करते हैं तो ये टोटल 28 देशों का एक समूह है। ठीक है, 28 देशों का एक संघ है, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में जो कि बेल्जियम की सिटी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1993 में। अब देखिए यहां पर एक थोड़ी सी चीज यहां पर मिस हो गई, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो ये समझौता हुआ है टोटल ये हुआ है 240 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ है, ये अमाउंट भी आपको ध्यान रखना है 240। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। देखिए, हाल ही में रिसेंटली अमेरिका ने एक इतने छोटे रोबोट को निर्माण किया है जो कि दुनिया का सबसे छोटे रोबोट है, और इसकी अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण किया गया अमेरिका की जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है वहीं पर इनका निर्माण किया गया है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी साइज है केवल 120 नैनोमीटर।
इस रोबोट की साइज है 120 नैनोमीटर, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे छोटा रोबोट है। और यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं अगर बात करता हूँ इसकी साइज की, 120 नैनोमीटर का मतलब अगर हम यहाँ पे इजी भाषा में बात करते हैं तो जो हमारे बाल होते हैं दोस्तों, एक बाल होता है हमारा, ठीक है, उससे लगभग 1 लाख गुना ये बारीक है ये रोबोट, यानी कि एक हमारे बाल से 1 लाख गुना पतला बारीक ये रोबोट है। इसका मतलब आप समझते हो कि कितना छोटा हो सकता है ये रोबोट, ठीक है, एक बिल्कुल बारीक वो रोबोट है, ठीक है। और इसका यूज यही होने वाला है, इसका जो उपयोग किया जाएगा इन रोबोट्स का, वो किया जाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के उपचार के लिए ही इनका उपयोग किया जाएगा। यानी कि इन रोबोट्स को क्या किया जाएगा, मानव शरीर के अंदर छोड़ा जाएगा, मानव शरीर के अंदर जाके ये रोबोट क्या करेंगे, जो कैंसर अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं उनका इलाज करेंगे ये रोबोट मानव शरीर के अंदर घुसकर, ठीक है। बात करें कि किसके द्वारा चेन्नई तट पर एक तटरक्षक गश्ती जहाज को लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर होगा LNT। देखिए जो LNT शिपयार्ड है इसी के द्वारा एक जहाज है उसको लॉन्च किया गया है, और ये तटरक्षक गश्ती जहाज है जो कि चेन्नई पर आर्थिक सुरक्षा और जो तटीय सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए ही इसको लॉन्च किया है इस तट। फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही खबरों में रहे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का संबंध किस देश से, तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। देखिए जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है, जिसके बारे में हम काफ़ी बार चर्चा करते हैं, ठीक है, नासा के द्वारा ही इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, आज से 15 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था। और आपको यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हाल ही में वैसे तो इन 15 साल भी पूरे कर लिए हैं, साथ ही सबसे अधिक समय तक स्पेस में सक्रिय रहने वाले रिकॉर्ड इसने बनाया, यानी कि सबसे अधिक समय तक स्पेस में सक्रिय रहने वाली दूरबीन का इसने रिकॉर्ड बना लिया है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वैसे इसको जब लॉन्च किया गया था, जब इसको केवल 2.5 साल के लिए, यानी कि 2.5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद में भी ये कंटिन्यू काम कर रही है और आज इसने पूरे 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, अभी भी ये एक्टिवेट है। इसका कार्य जो इस टेलीस्कोप का वो है दोस्तों, जो विभिन्न ग्रह हैं आकाश मतलब स्पेस में उनकी खोज करना, साथ ही जो आकाश गंगाएं हैं उनका पता लगाने के लिए ही इस टेलीस्कोप को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था आज से 15 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 से 15 सितंबर फिर देखिए नेक्स्ट है, 11 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले वोस्तक 2018 नामक सैन्य अभ्यास का संबंध किस देश से है, तो आपका राइट आंसर होगा ये संबंधित है रूस से। देखिए जो रूस है, जो रूस कंट्री है, उसी के द्वारा आयोजित करवाया जाने वाला रूस का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसके अंदर जो रूसी सेनाएं हैं वो आपस में सैन्य अभ्यास इसके अंदर करती है, ठीक है, पार्टिसिपेट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस इतना सा कि जो वोस्तक 2018 सैन्य अभ्यास है वो किस देश से संबंधित है, किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये करवाया जाता है रूस के द्वारा, ये आयोजित करवाया जाता है। देखिए रूस की हमने बात की है तो इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को, मॉस्को रूस की कैपिटल है, साथ ही यहाँ की जो करेंसी है वो आपको ध्यान में रख लेनी है, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है, ये आपको ध्यान रख लेनी है। साथ ही यहाँ की जो प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में वो है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहे ब्लैक होल का संबंध में कौन से कथन सत्य है, तो देखिए जो ब्लैक होल जो नाम है, ये वर्ड है, इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, हमें देखना है कि कौन से इसके रिलेटेड हैं कौन से नहीं है। पहला कथन दे रखा कि यह एक वेस्ट मैनेजमेंट उपकरण है, तो बिल्कुल सही है पहला कथन आपका। दूसरा कथन है कि इसे लद्दाख में स्थापित किया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन बोल रहा है कि इसका निर्माण टेस्ला कंपनी द्वारा करवाया गया है, तो ये भी सही है। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है ऊपर के, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, जो ब्लैक होल्स है एक तरह का एक उपकरण है जिसका यूज़ किया जाएगा, जो इसको स्थापित किया गया है लद्दाख के अंदर, और इसका उपयोग होगा वेस्ट मैनेजमेंट में। देखिए जो लद्दाख है वहाँ पर अभी एक सर्वे हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो वेस्ट है, जो पर्यटक है वहाँ पर जाते हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है, जो मतलब कि अपशिष्ट जो अपशिष्ट होता है, जो कचरा वगैरह वो फैल रहा है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तो उसी को मैनेजमेंट करने के लिए, उसी को मैनेज करने के लिए एक उपकरण वहां पर स्थापित किया गया है। जितना भी जो वेस्ट होगा उसको ये राख में कन्वर्ट करने का काम करेगा ये उपकरण, जिसको नाम दिया गया है ब्लैक होल। तो बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये स्थापित किया गया लद्दाख में और उसका निर्माण किया है टेस्ला कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में माइक्रो हाइला कोडियाल नामक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर होगा ये संबंधित है दोस्तों मेंढक से। देखिए जो मेंढक है उसी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है वहाँ पे, और इस प्रजाति का नाम है माइक्रो हाइला कोडियाल। माइक्रो हाइला कोडियाल नामक प्रजाति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा मेंढक से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की,
एशियाई खेलों की कुराश प्रतिस्पर्धा में भारत की पिंक बलहारा ने रजत पदक जीता है, ये प्रतियोगिता किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य एशियाई कुश्ती से। देखिए जो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुराश प्रतिस्पर्धा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है, कुश्ती से संबंधित एक प्रतियोगिता है ये, जिसके जिसको नाम दिया है कुराश प्रतिस्पर्धा, ठीक है। और ये हाल ही में जो भारत की पिंक बलहारा है, इन्होंने इस प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है, रजत मेडल इसमें जीत लिया है पदक, ठीक है। नेकी में यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए रुचि घनश्यामा है, इन्हीं को यूके के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बस इतना सा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। यूके की कैपिटल आप याद रख सकते हो लंदन, यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन, और यहाँ के जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, यहाँ की करेंसी है मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए सरकार ने किसके साथ 300 मिलियन डॉलर के ऋण हेतु समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर होगा विश्व बैंक, देखिए जो वर्ल्ड बैंक है उसी के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है, कुल 300 मिलियन डॉलर के ऋण हेतु ये समझौता किया गया है। और इस समझौते का जो ऋण देने का मकसद है वो है भारत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए ही ये ऋण लेने के लिए समझौता किया है। भारत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम क्या है, देखिए आपको बता दें इसका मेन मकसद है जो आवासीय और सार्वजनिक क्षेत्र है भारत के, उसके अंदर बिजली की बचत के लिए ही यहाँ पे ये कार्य करता है, ठीक है, भारत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम। अब इसके लिए ये जो ऋण लिया गया है टोटल 300 मिलियन डॉलर का, इसमें से आपको ध्यान रखना है 220 मिलियन डॉलर का ये ऋण लिया गया है, साथ ही 80 मिलियन गारंटी जो यहाँ पे समझौता हुआ है, तो ऐसे मिला के दोनों को मिला के टोटल 300 मिलियन डॉलर का ये समझौता हुआ है भारत और विश्व बैंक के साथ, ठीक है। अब देखिए ये जो ऋण दिया जाएगा, ये दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा एक EESL नाम की कंपनी है, ठीक है, EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसी को ये यहाँ पे ये बजट दिया जाएगा। और उसके बदले में ये कंपनी क्या करेगी, भारत सरकार को कुल 219 मिलियन जो LED बल्ब होते हैं वो प्रदान करेगी, साथ ही 5.8 मिलियन पंखों का निर्माण करके भारत सरकार को उपलब्ध करवाएगी, ये इस कंपनी का यह लक्ष्य रखा गया, ठीक है, और इसी के लिए ये बजट यहाँ पे पास हुआ है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान में विद्युत वितरण सेक्टर में सुधार लाने के लिए सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण हेतु समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर होगा 250 मिलियन डॉलर का ये समझौता किया है सरकार ने विश्व बैंक के साथ। और इस ऋण लेने का समझौते का मकसद है जो राजस्थान है, राजस्थान में विद्युत वितरण सेक्टर है, उसमें सुधार करने के लिए ही ये समझौता किया गया है विश्व बैंक के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डॉलर में दे रखा है ये समझौता राशि, अगर यहाँ पे इंडियन करेंसी में भी दिया जा सकता है ऑप्शन में आपको, तो भारतीय करेंसी में टोटल जो राशि हुई है ये हुई है 1625 करोड़ रुपए, 1625 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ है भारतीय अगर करेंसी में बात करते हैं तो, और अगर डॉलर में बात करते हैं तो 250 मिलियन का ये समझौता हुआ है भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में, जिसका मकसद है राजस्थान में विद्युत वितरण प्रणाली को सुधार करने के लिए ये समझौता हुआ है। देखिए विश्व बैंक की बात की है तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है, अभी जो प्रेसिडेंट है विश्व बैंक के प्रेजेंट में वो है जिम योंग किम, इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, इसका प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है, और इसके जो CEO है प्रेजेंट में वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, जो है इसके प्रेजेंट में CEO है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, एशियाई खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 800 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो आपका राइट आंसर ये जीता है मनजीत सिंह ने, गोल्ड मेडल जीता है। देखिए अभी मैं यहाँ पे एशियाई खेलों के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस आपको उपलब्ध नहीं करवा रहा हूँ, इसका मकसद यही है कि हाल जो ही एशियाई खेल कंप्लीट होते हैं पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो आपको एशियाई खेलों पर मिलने वाला है, A to Z वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन बीमा LIC के निदेशक मंडल ने किस बैंक में 14.9% हिस्सेदारी को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आपका राइट आंसर होगा ये दी है IDBI बैंक में। देखिए जो IDBI बैंक है इसी के अंदर LIC के जो निदेशक मंडल है उसने 14.9% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। IDBI बैंक की हमने बात की है तो इसका जो CEO अभी प्रेजेंट में वो आपको ध्यान रखना है, बी श्री राम इसके प्रेजेंट में CEO है। इसकी जो स्थापना हुई थी IDBI बैंक की वो हुई थी 1964 में, इसकी स्थापना हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। फिर देखिए यहाँ पे LIC की हमने बात की तो LIC के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना है, इसके CEO बस आपको ध्यान रखना है, CEO है LIC के वो है उषा संगवान, इसके प्रेजेंट में CEO है LIC के, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, इसकी LIC की स्थापना हुई थी।
फिर अब बात करते हैं आज की क्विज, जिसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आज की क्विज है, हाल ही खबरों में रहे हेलिना का संबंध निम्न में से किससे है। तो जो भी आपका ऑप्शन है इसमें से राइट वो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों आज की ये करंट अफेयर उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी को इसका बेनिफिट्स मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नीचे कलर का सब्सक्राइब बटन है, और घंटी बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। साथ ही यहाँ पे अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।